देश के प्रतिष्ठित विद्यालय समूह सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल की सिधौली शाखा का रविवार को उद्घाटन किया गया। सिधौली बिस्वा मार्ग पर स्थित इस विद्यालय का उद्घाटन प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में इस विद्यालय को ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों हेतु बहुमूल्य सौगात बताया और कहा कि उन्हें शिक्षा के लिए एक बेहतर शिक्षण संस्थान मिला है। कार्यक्रम के उपरांत आई इंडिया से बात करते हुए मुख्य अतिथि नम्रता पाठक ने कहा, सबसे पहले तो मैं आशीष अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये हमारे क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ लोग हैं और हमारे मध्य विधानसभा में रहते हैं और यहाँ पे जो मेरा आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, आज सिधौली में जयपुरिया कॉलेज जो इन्होंने बड़े समय से ये जो बन के आज तैयार हुआ है, ये एक मंदिर रूपी विद्यालय जो उसका आज मुझे उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपका ये कॉलेज दिन दूनी रात उन्नति करे। और ये आप यहाँ की प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर साहब हैं मेरे साथ, और इन सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से, माननीय जी को आना था पर माननीय जी के सरकारी कार्यक्रम की वजह से माननीय जी नहीं आ पाए पाठक जी, मगर आपका अगला कार्यक्रम जो भी होगा उसमें पाठक जी आएंगे। देखिए आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा कहा, ऐसा हुआ था कि कोरोना काल में काफ़ी अव्यवस्थाएँ पैदा हो गई थी, जिस वजह से पेरेंट्स के बच्चों जो बच्चे थे उनको घर में रहना पड़ा और बहुत दिन तक कॉलेज स्कूल बंद रहे। उस वजह से थोड़ी ये दिक्कतें आई कि कुछ पेरेंट्स फीस देने के उसमें थे, कुछ लोग नहीं थे। कुछ स्कूलों में काफ़ी जोर दिया गया, नहीं हमने नहीं अगर दो महीने बच्चे को पढ़ाया है ऑनलाइन में, अभी फीस पूरी नहीं है। तो इसमें सरकार यही योगदान दे सकती है, हर प्राइवेट कॉलेज स्कूलों से यही कह सकती है कि आप लोग उनकी स्थिति परिस्थितियों को देख करके चलने का काम करिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ पे इंसान अपने शिक्षित होकर के बच्चे छोटे छोटे उनका भविष्य का निर्माण होना है, तो वहाँ पे हम उन कॉलेज का हम प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, हम उनका साथ देते हैं। रही बात फीस की, तो मुझे लगता है कि बहुत से प्राइवेट स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जैसे कि हमारे ही क्षेत्र में है, अगर हम कह देते हैं से कि आप इन बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दीजिए तो बच्चों की फ़ीस माफ़ होती, जो माफ़ करने लायक होते हैं उनकी प्राइवेट स्कूल फ़ीस माफ़ करता है, जो देने लायक होते हैं उनसे फ़ीस ली जाती है। पर सरकार का बस यही कहना है कि आप सब लोग अपने स्कूल में अच्छी शिक्षा दीजिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद सिधौली विधायक मनीष रावत ने क्षेत्र के लिए इसे गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि अब उन्हें अच्छे स्तर की शिक्षा के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। विद्यालय प्रबंध समिति के आशीष अग्रवाल ने कहा कि संस्थान के माध्यम से बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने का काम किया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य कंचन लता तिवारी ने किया। इस दौरान स्कूल के भव्य बिल्डिंग मॉडल को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, प्रदीप सिंह चौहान, कोतवाली प्रभारी राकेश सिंह, संजय द्विवेदी, प्रधान पूरनपुर रवि मिश्र, स्कूल निदेशक सत्यनारायण अग्रवाल और जयपुरिया ग्रुप के उपाध्यक्ष अनिबार्न भट्टाचार्य सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य मौजूद रहे। आई इंडिया के लिए सिधौली देहात से राजन भार्गव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।